बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हमने किया था जिसमें बेसिक नंबर जो था वो कम था। फॉर एग्जांपल 999 मल्टीप्लाई बाय 998, सो वो बेस से कम आ रहा था। अब हम बेस से ज़्यादा नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल 107 मल्टीप्लाई बाय 103। सो रूल ये है कि हमने एक बेस लेना है। सो अब यहाँ पे बेस जो है वो इन नंबर से कम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बेस लूँगा 100, क्योंकि ये 100 के करीब तरीन डिजिट से, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा 107 से, रूल वही है जो हमने पहले किया था। 107 से मैं क्या करूँगा, 100 को माइनस करूँगा, यहाँ पे आ रहा है 7। फिर 103 से मैं बेस को माइनस करूँगा, सो यहाँ से आंसर आ रहा है 3। अब मैं क्या करूँगा, 107 के सामने 7 लगा लूँगा, 103 के सामने 3 लगा लूँगा। नेक्स्ट क्या करना है, दो पार्टीशन बनानी है। पार्टीशन जो लेफ़्ट वाला पार्टीशन है उसमें डायगनल्स पे जो नंबर्स है, या इन दोनों को मैं प्लस करूँगा या इन दोनों को, इनसे सेम रिज़ल्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 107 और 3 से आ रहा है 1110, और 103 और 7 से भी 1110 आ रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ से आंसर आ रहा है 21। और यहाँ पे एक हमें यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे नंबर्स जो राइट साइड है, राइट पोर्शन है, यहाँ पे नंबर्स या डिजिट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द बेस। यहाँ पे दो ज़ीरोज़ हैं, सो यहाँ पे आपके पास दो डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे दो डिजिट्स कंप्लीट है, सो आपका आंसर आ रहा है 11021। अब 1015 मल्टीप्लाई 1003, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो इसके लिए बेस जो होगा वो 1000 होगा, क्योंकि ये दोनों 1000 के करीब के नंबर थे। अब 1015 से मैं 1000 को माइनस करूँगा, सो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है 15। फिर 1003 से 1000 को माइनस करूँगा, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। अब मैं क्या करूँगा, वही रूल अप्लाई करूँगा 1015 और इसके सामने 15, फिर 1003 इसके सामने 3। नेक्स्ट दो पोर्शंस बनाने हैं। अच्छा, डायगनल्स वाले नंबर्स को या इन दोनों को ऐड करना है या इन दोनों को। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1018। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई देना है। 1015 मल्टीप्लाई 3, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 45। लेकिन ख्याल क्या करना है कि यहाँ पे डिजिट जो है उनको इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ ज़ीरोज इन द बेस। सो यहाँ पे 1 2 3 3 ज़ीरोज है, सो यहाँ पे डिजिट्स होने चाहिए 3। सो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 1018045। सो ये मेथड यूज़ करके आप कोई भी कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।